आज इस वीडियो में बात भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की करेंगे। वैसे तो गौरव डिबेट्स में विपक्षी नेताओं पर काफी हावी होते हैं, पर कुछ ऐसे भी डिबेट्स हैं जिनमें गौरव भाटिया को विपक्षी नेता सुना गए। आज तक पर उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में गौरव भाटिया कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने लगे तो कांग्रेस प्रवक्ता ने गौरव भाटिया की क्लास लगा दी। ऑडियो बंद हो गया। थैंक यू। देखिए जो स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इनको कोई मौका नहीं देगा, ये रिजेक्टेड है बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी हैज बीन रिजेक्टेड, नो मौका। बल्कि डिबेट के जब अंत होगा तो इनको पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता तीन चार सीटें आएंगी जमानत जब्त हुई तुम्हारी भी जमानत जब्त हुई। सैयद अंसारी जी आप हैं वहाँ पे, सैयद अंसारी जी कहीं है? ये छुटकू पार्टी को हटाइए, ये तो अभी भारतीय राजनीति की ये ढोल है, इसको हर कोई बजा देता है, इसको ढोल बजाता है। अरे जमानत जब्त हुई तुम्हारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में गौरव भाटिया ने विपक्ष की काफी आलोचना की, पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने सवालों और तथ्यों से गौरव भाटिया को चुप करवा दिया। सबकी जमानत जब्त हो जाती है जैसे इनकी छुट्टी हुई। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी इतनी जमीनी नेता है, वैसे ही जाती है महीने में एक दो दिन पिता के उत्तर प्रदेश में। अब देखिए फिर बोल रही, अब ये बदतमीजी नहीं है? ये क्या गर्दन में क्या हिलाती रहती हो भाई, मुंह बदतमीजी करती हो रोज आके, चुप चुप बैठो। इससे बात करो बारे में बोलना। चित्रा जी अगर आपकी प्रेजेंस में ये बदतमीजी करेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं, ये तो आप जानती हैं मेरे बारे में। इनकी गर्दन में आपकी प्रेजेंस में ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? कार्टून कार्टून से बात करते हैं, बदतमीज से बात करें। अरे उधार के विज्ञापन से विकास की बात करते हो, तुम्हारी अपराधी के उत्तर प्रदेश में उधार के विज्ञापन से विकास की बात करने आए हो, कलकत्ते का सड़क ले आए हो, अमेरिका की फैक्ट्री ले आए हो, विकास दिखा रहे उत्तर प्रदेश का। वाह भाई, नकल है तुम्हारी। मुझे लगता है कि डिबेट में हम लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम आज, तो एक सेकंड प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुद्दों को हम गॉड बना देते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में शादाब चौहान ने अपना इस मुद्दे पर जवाब देना शुरू किया तो गौरव भाटिया ने उन्हें कुछ बोलने को कहा, पर शादाब चौहान ने अपने सवालों से गौरव भाटिया को चुप करवा दिया। मतलब कुछ घंटे ही बीते थे, इनका इस्लाम प्रेम जागा, भारत प्रेम नहीं। और 56 इंच की छाती क्या होती है शादाब चौहान, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भारतीय वहाँ विपरीत परिस्थितियों में वापस आए हैं ना, उसमें हिंदू, उसमें सिख, उसमें मुसलमान, ईसाई सब है। और ये दर्शाता है कि अगर भारत की भूमि के बाहर हम हैं तो हम भारतीय हैं। बताइए ब्रिक्स सम्मेलन में क्यों कवर्डली बिहेव कर रहे हैं मोदी जी, बताइए कवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरे चुप करिए, बेकार की तालिबान, तालिबान का समर्थन करोगे, हमसे सवाल पूछोगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले भारत या पहले इस्लाम? चाय पी रहे हो आप? पहले भारत या पहले इस्लाम? आप तालिबान कब, तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे आप? पहले बोलो भारत, पहले बोलो भारत की बिरयानी कब खाएंगे? तालिबान की बिरयानी खाएंगे? तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे? तालिबान की बिरयानी कब खाएंगे? अरे तुम तो उस दूध के भी कलंक हो जो पी के तुम मजबूत हुए, भारत का दूध पिया और सांप बन गए। ब्रिक्स सम्मेलन के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी भाजपा सरकार पर तीखे वार किए। और ये भूल जाते हैं, ये सब राजनीति के गजनी हैं, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक पूरे विश्व को बताया था कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता। इनकी नीति ये बात कर रहे हैं, दो साल से इनका खुद का अध्यक्ष नहीं बना। मैं इशारा इस बात का कर रही थी कि ये विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। आपकी विदेश नीति बड़ी कारगर है, आपकी विदेश नीति यही है कि यूएस ने 125 देशों के साथ वक्तव्य इशू किया 15 अगस्त 2021 को तालिबान पर, जिसमें हम पार्ट नहीं थे। आपकी विदेश नीति यही कि रशिया ने हमको 6 अगस्त की ट्रोइका प्लस प्लस में इनवाइट तक नहीं किया, वहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनवाइटेड थे। आपकी विदेश नीति तो यही है जहाँ पर हमें अलग थलग कर दिया जाता है। आप चीन को घर बुलाकर झूला झूलते थे, महाबलीपुरम में सबमिट कराते थे, वो यूएन में मसूद अजहर को टेररिस्ट होने पर ब्लॉक करता था आपको। आपकी विदेश नीति तो यही है, तो विदेश नीति पर मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। विदेश नीति फोटो खिंचाना और बलबैया करना नहीं होता है। आपकी गौरव भाटिया की इन डिबेट्स को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.